नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज़ हिंदी का खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज़। दोस्तों, इस हरियाणा की आवाज़ कार्यक्रम का आज बहुत ही शानदार और पहला एपिसोड है और ये एपिसोड बहुत ही आगे तक जाएंगे, उम्मीद है मेरी। और आज इस एपिसोड का पहला दिन और पहला ये एपिसोड है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हरियाणा प्रदेश से जुड़ी 5 बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सबसे पहली खबर निकल कर दोस्तों किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन में सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत के ऊपर दर्ज की गई एफआईआर। महापंचायत करना पड़ा किसान नेता राकेश टिकैत को महंगा, पुलिस ने दर्ज की गई एफआईआर। दूसरी खबर है दोस्तों नौकरी को लेकर। नौकरी लगवाने के नाम पर एक शख्स ने ठगी एक लड़की से 5,10,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों। अगली खबर है दोस्तों कोरोना वायरस से लेकर। कोरोना वायरस के कारण व्यापारी ने लगाया सेल्फ लॉकडाउन, 3 दिन तक नहीं खुलेगी कोई भी दुकानें। जी हाँ दोस्तों। अगली खबर है गुड़गांव से। गुड़गांव में कोरोना के कारण 4,099 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की हुई कोरोना वायरस से मौत। नहर में मिला 2.5 वर्षीय बच्चे का शव, नहीं हो सकी अभी तक उसकी पहचान। दोस्तों बताएंगे एक एक खबर को विस्तार से, वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो पर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। महापंचायत करना पड़ा राकेश टिकैत को महंगा। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अंबाला की है दोस्तों ये खबर। कोरोना काल में धारा 144 का उल्लंघन करते महापंचायत करना किसान नेता राकेश टिकैत को पड़ा महंगा। दरअसल आज किसान नेता राकेश टिकैत मजदूर पंचायत करने अंबाला के दूराली गांव पहुंचे थे, जहां महापंचायत में हजारों की भीड़ जुट गई दोस्तों, और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और ना ही किसी ने भी मास्क लगाया। कोरोना वायरस की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई दोस्तों वहां पर। ना कोरोना वायरस की डिस्टेंसिंग का कोई भी गाइडलाइन का नामो निशान तक दूर तक नजर नहीं आया। इसी के चलते पुलिस ने राकेश टिकैत के ऊपर धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए केस दर्ज किया और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ। बात करेंगे दोस्तों पक्की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे गए एक लड़की से 5,10,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, उसको लगा गया 5,10,000 रुपये का चूना। खबर दोस्तों अंबाला शहर की है। रेलवे में पक्की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगों ने एक युवती से ही 5,10,000 रुपये का लगा दिया चूना। ठगों ने युवती को पक्की नौकरी बोलकर रेलवे ठेकेदार के पास नौकरी लगवाई, लेकिन जब युवती को इस बारे में पता चला तो उसने ठगों से अपने पैसे मांगने के लिए वापस फ़ोन किया, लेकिन ठगों ने उसके पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती पुलिस को शिकायत दर्ज करा दिया गया, जिसके आधार पर अब बलदेवनगर थाना के आरोपी रवि कुमार व राहुल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा चुका है। शिकायतकर्ता पीड़िता निशा निवासी सेठीनगर अंबाला शहर ने बताया कि वह 5 भाई बहन है और एमए इंग्लिश बीएड पास है। उसके भाई हर्षद के दोस्त करण शर्मा का दोस्त रवि कुमार है। रवि कुमार हर्षद को बताया था कि उसकी मासी का बेटा राहुल रेलवे में नौकरी लगवाने का काम करता है। उसने उसके साथ बातचीत की तो राहुल ने रेलवे में पक्की नौकरी लगवाने के लिए 5,10,000 रुपये मांगे। इसके बाद उसने किस्तों पर पैसे लेकर युवती को अपने साथ कई बार DRM कार्यालय में भी लेकर गया। बाद में उसने 24 दिसंबर 2020 को एक स्टैंप ड्यूटी एफिडेविट बनाकर उसे नौकरी पर लगवा दिया गया। हालांकि बाद में पता चला कि उसकी है नौकरी पक्की नहीं बल्कि ठेकेदार के पास है। निशा ने जब राहुल व उसके भाई से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहले 3 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद ही रेगुलर होंगे। इसके बाद भी निशा ने न तो पक्की नौकरी मिली और न ही उसके पास कोई भी वापस पैसे आए, जिसके बाद उसने पुलिस की शिकायत दर्ज करा दी जा चुकी है और दोनों के खिलाफ केस चल रहा है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। व्यापारियों ने लगाया कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सेल्फ लॉकडाउन, 3 दिन तक नहीं खुलेगी कोई भी दुकानें, यानी कि आज 2 मई से 4 मई तक नहीं खुलेंगी कोई भी दुकानें। जी हाँ। रेवाड़ी की खबर है दोस्तों। रेवाड़ी से खबर निकलकर आ रही है, कोरोना जंग जीतने के लिए सरकार के साथ ही अब आम लोग भी सामने आने लगे हैं। मार्केट में उमड़ रही भीड़ को अब एक अहम कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं करने के लिए प्रशासन भले ही चालान की कार्रवाई करता रहे, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। यही कारण है कि जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और इसके चलते तमाम व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों ने मीटिंग कर निर्णय लिया कि वह सभी 2 से 4 मई तक 3 दिन का स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखेंगे। व्यापारियों ने सेल्फ लॉकडाउन का यह कदम निश्चित रूप से कोरोना की चैन तोड़ने में मदद करेगा। अगली खबर है दोस्तों गुड़गांव की। गुड़गांव में शनिवार को एक बार फिर से 1 दर्जन से अधिक लोगों ने कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और जबकि कोरोना के चलते 4,099 नए मामले सामने आए। राहत इस बात है कि बीते 24 घंटों के दौरान 2,219 मरीजों को स्वास्थ्य घोषित किया गया। अगली खबर दोस्तों नहर में बच्चे के शव मिलने से हड़कंप मच गए गाँव में। जी हाँ दोस्तों, नहर में मिला अज्ञात 2.5 वर्षीय बच्चे का शव, नहीं की जा सकी अभी तक उसकी पहचान। दरअसल दोस्तों गांव बदराना रुसुलपुर की बीच नहर में 2.5 वर्षीय अज्ञात बच्चे का काफ़ी गला हुआ शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। डेड बॉडी मिलने से सूचना के बाद मौके पर काफ़ी ग्रामीण एकत्रित हो गए। हालांकि बच्चे की पहचान नहीं की जा चुकी है। ग्रामीण अपने स्तर पर बच्चे की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही डांड थाना प्रभारी राजकुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से नहर में बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की अभी जांच की जा रही है। दोस्तों कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम हरियाणा की आवाज़, जिसका आज पहला एपिसोड था। अगर आप इसके और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो वोकल जिंदी पर आप सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपको ये एपिसोड डेली हर रोज़ 3 बजे आपको वोकल जिंदी पर मिल जाएगा। 3 PM पर आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों आगे बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।